सुप्रभात बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग ने हिंदी साहित्य में इसके पहले पढ़ा था पंच परमेश्वर। आज हम लोग पढ़ेंगे बहादुर बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं बहादुर बेटा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी साहित्य में से पढ़ेंगे पाठ 7, बहादुर बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। बाढ़, भूकंप, आंधी, तूफान और भूस्खलन आदि ऐसी आपदाएं हैं जिन पर हमारा कोई वश नहीं चलता है। ये जब भी आती हैं, जान और माल का बड़ा नुकसान होता है। ऐसे समय में हमारा कर्तव्य है कि हम तन, मन, धन सब प्रकार से लोगों की सहायता करें। इन आपदाओं के समय हमें कैसे लोगों की सहायता करनी चाहिए, इसको इस नाटक के द्वारा बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पात्र, माँ, विधवा। संदीप, बड़ा बेटा। कुलदीप, छोटा बेटा। मधुर, बेटी। दीपक, संदीप का मित्र। निहारिका, रेड क्रॉस की सदस्या। डॉक्टर, रेड क्रॉस के सदस्य। प्यारे बच्चों, ये जितना भी नाम मैंने पढ़ा है, ये नाटक के सदस्य हैं जो उस नाटक में भूमिका कर रहे हैं। अब हम शुरू करते हैं उस नाटक की कहानी। एक साधारण से घर के कमरे में मधुर बैठी पढ़ रही है। बीच बीच में घड़ी की ओर देख लेती है। माँ अंदर से आती हैं। माँ, क्या बज गया है मधुर? घड़ी की ओर देखकर, अरे 4 बजने वाले हैं और दोनों में से कोई नहीं आया। मधुर, मैं भी यही सोच रही हूँ। संदीप भैया तो 12 बजे तक आ जाते थे और 2 बजे तक कुलदीप भैया भी आ जाते था। आज ना जाने दोनों कहाँ चले गए। कुलदीप तेजी से भागता हुआ आता है। कुलदीप, माँ माँ, तुमने सुना है? माँ, कहाँ था तू? आज इतनी देर कैसे हो गई? कुलदीप, ओफ, बड़ी बुरी हालत है। माँ, किसकी बुरी हालत है, क्या हुआ? कुलदीप, बड़े जोर का तूफान आया है, नदियों में बाढ़ आ गई है। स्कूल में मास्टर जी कह रहे थे कि बाढ़ में गांव के गांव बह गए हैं, सैकड़ों आदमी मर गए हैं। जानवरों का तो कहना ही क्या, हजारों लोग बेघर हो गए हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा है। मास्टर जी ने कहा है कि हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, उन्हें कपड़े और पैसे देने चाहिए। माँ, हाँ, यह तो सबको करना ही चाहिए। कहाँ भेजना होगा सहायता के लिए पैसा या सामान? कुलदीप, वह तो लेने वाले यही आ जाएंगे, मैं जा रहा हूँ। मधुर, माँ के साथ साथ तुम कहाँ जा रहे हो? कुलदीप, लोगों को बचाने। माँ, लेकिन तू तो खुद इतना छोटा है, लोगों को क्या बचाएगा? मधुर, काम करने को तो यहाँ भी बहुत है। चाहो तो तुम घर घर का जाकर चंदा इकट्ठा कर सकते हो। कुलदीप, तुनक कर, वह तो दीदी तुम करना, मैं छोटा हूँ तो क्या, मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। माँ, अच्छा, पहले तू रोटी तो खा ले। और हाँ, संदीप भी कहीं वहीं तो नहीं? दीपक प्रवेश करता है। दीपक, संदीप का घर यही है? माँ, मधुर एक साथ, हाँ। दीपक, मैं दीपक हूँ, संदीप का दोस्त। मैं यहाँ बताने आया हूँ
कि संदीप बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता करने चला गया है। माँ, घबरा कर, क्या मधुर, तो भैया चले ही गए। माँ, बेटा कितनी देर हो गई है उसे गए। दीपक, वह तो सुबह ही चले गए थे और मुझसे घर पर खबर कर देने के लिए कह गए थे, लेकिन आप कोई चिंता ना कीजिए, तेज़ी से चला जाता है। मधुर, मैं जानती हूँ। यह सब सुनकर संदीप भैया रुक ही नहीं सकते। कुलदीप, लेकिन मुझे तो रुकना पड़ेगा, बहुत बुरे हैं भैया, सब कामों में वही आगे रहते हैं। माँ, वह बड़ा है, बिल्कुल अपने पिता पर गया है, वे भी जिंदगी भर कभी चैन से नहीं बैठे। हे भगवान, तू मेरे बच्चे की रक्षा करना। मधुर, माँ को झंझोड़ते हुए, माँ माँ तुम कहाँ खो गई हो, हमें कुछ करना चाहिए, चलो हम दोनों घर घर से अनाज और धन इकट्ठा करें। कुलदीप, खाना कपड़ा मकान सभी चीज़ों की ज़रूरत होगी, मास्टर जी कह रहे थे कि सरकार प्रबंध कर रही है, कैंप लगवा दिए गए हैं। माँ, मैं जानता हूँ स्कूल में स्वयं सेवकों की आवश्यकता है, मैं कैंप में जाकर तो काम कर ही सकता हूँ। माँ, लेकिन खाना तो खाता जा। कुलदीप, नहीं नहीं देर हो जाएगी, वही कुछ खा लूँगा। तेज़ी से चला जाता है। बाहर शोर उठता है, माँ खिड़की से झांकती है। मधुर, देखो माँ कितने लोग इधर ही चले आ रहे हैं, ट्रक भी आ रहे हैं, शायद ये बाढ़ पीड़ित। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने हिंदी सहित में पढ़ा था पाठ 7, बहादुर बेटा। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने ध्यानपूर्वक आदर्श पाठ को सुना होगा और समझा होगा। इस कहानी से बच्चों हमें यह शिक्षा या प्रेरणा मिलती है कि कभी भी मुसीबत में फंसे लोगों की हमें सहायता मदद करना चाहिए, क्योंकि कभी हम स्वयं भी मुसीबत में पड़ सकते हैं और हमें भी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। इसी पाठ को आगे के वीडियो में हम फिर पढ़ेंगे। तब तक प्यारे बच्चों, आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।